जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम जनाबी अली। जी सर, सर ये मेरा सवाल ये था कि वो पोलियो की वैक्सीन वो मेरी बेटी को मैंने बहुत लेट दी है, पहले तो दी नहीं बाकी बहुत लेट दी है, वो लेट देने से कोई मसाइल तो नहीं पैदा हो सकते? लेट से क्या मुराद, कितने साल की बेटी है आपकी? जी मेरी बेटी है 1 साल की। 1 साल अभी तक आपने नहीं दी है उसको कोई भी? जी जी नहीं दी। जी हिफाजती टीके लगे, हिफाजती टीके बाकी लगे थे? नहीं अभी नहीं लगवाए, वो एक लगा था वो उधर हॉस्पिटल में उन्होंने लगाया था। जब पैदा हुई होगी तब लगा होगा। तो डॉक्टर अगर लेट हो जाएं किसी वजह से तो क्या सूरत हाल होगी? आतिश फिशां के दहाने पे खड़े हैं। ओ शाबाश, कब फटेगा? सर पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में अब 3 नहीं है, 2 ममालिक रह गए हैं। अफ्रीका पोलियो से निजात हासिल कर चुका है, ये परसों तरसों आ चुकी है खबर पाकिस्तान अफगानिस्तान में है। अब पाकिस्तान नाइजीरिया इससे निकल चुका है। अल्लाह। सो पाकिस्तान में इस साल अभी 64 केसेस एज ऑफ टुडे हुए हैं, 64 केस पिछले साल तकरीबन 150 केस हुए थे। तो सर ये फौरन करवाएं क्या करें? ये क्या देखें करें? जो इंतहाई ज़रूरी चीज़ ये है और जिस पे हम बार बार तवज्जो देते हैं, पोलियो के दिन पोलियो के कतरे पिलाना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन बच्चों को वक्त पे हिफाजती टीके लगवाना उससे भी ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को अगर हिफाजती टीके टाइम पे लग रहे हैं तो उन बच्चों को कम से कम 4 दफ़ा पोलियो के कतरे आपके हिफाजती सेंटर से मिल रहे हैं, और उसके बाद अगर पोलियो वाला आपके घर आता है नहीं आता उसका इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत से इंजेक्शन जो है वो रह गए होंगे बच्चों के, वो लेट करेंगे क्या करेंगे? बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली शुरू के महीनों में तो सेंटर भी बंद थे, उसके बाद सेंटर पिछले 3 महीने से खुले हुए हैं। ठीक, लोग जाते नहीं थे डर के मारे। ठीक, अब जाना शुरू हुआ है। हिफाजती टीके देर सवेर की कोई खैर है, लग जाने चाहिए और फौरन लगवाने चाहिए। अब मौका है कि जाएं टीकों को, हिफाजती टीके भी लगवाएं, और पोलियो की एक मुहिम हो चुकी है, उस मुहिम में जितने भी आए थे सब लोगों ने अपने कतरे दिलवाए हैं, ये मुहिम चलती रहेगी और लाजमी है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे दिलवाए जाए। हमारे पास दूसरे कॉलर में बड़ी ना अदब के साथ ने हाथ बांध के सारे पाकिस्तान और सारे अफगानिस्तान से, क्योंकि अफगानिस्तान से भी हमें बड़ी कॉलें आती हैं। डॉक्टर साहब अफगानिस्तान से पेशेंट पाकिस्तान आते हैं इलाज कराने के लिए, हमें बड़ी खुशी हुई इस बात की। ओ खुदा के वास्ते ये जो स्कैंडल है, आप इस बात की तायद कीजिएगा, ये जो पोलियो के ऊपर लोगों ने वालेहाना किस्म की गलत खबरें फैलाई हुई हैं कि ये गलत हैं, फलां हैं, इनमें इम्पोटेंसी है, इनमें कोई ऐसी चीज़ है जो कि हलाल नहीं है, ये इंतहाई गलत हैं और इनके ऊपर फतवे 1 दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा आ चुके हैं, फिर भी हम इन चीज़ों में बेहतियाती करते हैं, इस पर कुछ कोई कानून अखलाकी लगना चाहिए या शरई लगना चाहिए? बिलाल भाई एक बहुत ही अजीब बात है कि अगर फतावा से हमारे यहाँ लोग मानने वाले होते तो 900 साल से फतवे आ रहे हैं, नहीं माने, कुछ नहीं माने। डॉक्टर साहब की एक बात मुझे बड़ी खूबसूरत, मेरे बेटे के जो हैं वो हिफाजती इंजेक्शन रह गए, मैंने इनसे कहा, मैंने कहा जी डॉक्टर साहब मेरे बेटे के हिफाजती इंजेक्शन रह गए लास्ट प्रोग्राम में, इन्होंने कहा जनाब अब मौलवी को मौलवियों वाली मिसाल दी, जी नमाज अगर कज़ा हो जाए तो पढ़ी जा सकती है। तो मैंने कहा जी काजी अगर हिफाजती टीके रह जाएं कज़ा हो जाएं तो ये भी लगवाए जाए। क्या बात है, क्या बात है जी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छी बात।